दोस्तों आजकल हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम है, वो है कोरोना वायरस और उससे होने वाली बीमारी कोविड-19। कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया में पूरी तरह से कोहराम मचा हुआ है। ये कहा जा सकता है कि इंडिया को मिलाकर लगभग पूरी दुनिया लॉकडाउन में है। दुनिया के लगभग 212 देश अब तक इस बीमारी से अफेक्टेड हो चुके हैं। बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, बाजार बंद हैं, सड़कें सुनसान हैं, आसमान खाली हैं, तो समुद्रों के किनारों पर भी अब जहाज नहीं दिखाई पड़ते, सारी ट्रेन्स भी स्टेशन पर खड़ी हो चुकी हैं। दोस्तों ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि कोरोना वायरस कितना प्रभावशाली रहा है। और अब जबकि दुनिया भर के लाखों लोग कोविड-19 की चपेट में हैं, इसलिए इसकी वैक्सीन उपलब्ध होने तक लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका एकमात्र इलाज है। हालांकि लॉकडाउन बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन दोस्तों लॉकडाउन हमारे लिए बहुत जरूरी है। और एक्सपर्ट्स का कहना तो यहां तक है कि कोरोना वायरस पर काबू पाने के बाद भी गवर्नमेंट को महीने में एक हफ्ते, 3 महीने में 15 दिन या साल में 1 महीने के पैटर्न से लॉकडाउन फिर से लगाते रहना चाहिए। हाँ मैं जानता हूँ कि आपको ये सजेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा, लेकिन जब आप जानेंगे कि लॉकडाउन के कारण हमारे एनवायरनमेंट को कितना फायदा हो रहा है, तो आप भी इस सजेशन को पसंद करने लगेंगे। कोविड-19 के बुरी तरह से फैलने के कारण दुनिया भर में लगाए गए लॉकडाउन का असर पृथ्वी के एनवायरनमेंट पर भी साफ देखा जा रहा है। हमारा एनवायरनमेंट खुद को बहुत तेजी से हील कर रहा है। इसका एक एग्जाम्पल देखा गया मुंबई में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मुंबई समुद्र के किनारे बसा एक बहुत बड़ा शहर है, और तो और ये एक बड़ा पोर्ट भी है, जिस कारण मुंबई के किनारों पर हर वक्त बड़े बड़े पानी वाले जहाज खड़े रहते थे। लेकिन लॉकडाउन के कारण ये जहाज अब वहां से हट चुके हैं, और उसके बाद किनारे पर जो देखा गया वो कमाल था। मुंबई के किनारों पर एक अरसे बाद शार्क्स ने वापसी की। हालांकि किनारे का मतलब बीच नहीं, बीच के बहुत पास। ये सिंगल इंसिडेंट ये दर्शाने के लिए काफी है कि एनवायरनमेंट कितने अच्छे से हील कर रहा है। ये तो एक अकेला इंसिडेंट है, ऐसी इंसिडेंट्स की एक लंबी लिस्ट है। अगर आप उन इंसिडेंट्स को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें इस नोटिफिकेशन बेल को दबाकर, ताकि भविष्य में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मेरे अपलोड करते ही मिल सके। तो सबसे पहला जो बदलाव देखा गया वो था एयर क्वालिटी में। एनवायरनमेंट की सबसे बड़ी परेशानियों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो एयर पॉल्यूशन का नाम सबसे ऊपर आता है। 2 से 3 महीनों पहले तक पूरी दुनिया समेत देश की हालत एयर पॉल्यूशन के कारण खराब थी। इंसानों समेत अन्य जीव ऑक्सीजन के कारण ही जिंदा रहते हैं, और ये कहा जा सकता है कि दुनिया भर के जितने भी अत्याधुनिक काम इंसानों ने किए हैं वो ऑक्सीजन की कीमत पर ही किए हैं। जब इंसान इस धरती पर जन्मे तब वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर लगभग 30% तक था, लेकिन आज की डेट में क्या आप जानते हैं कि ये आंकड़ा 20% तक आ गया है, और ये सब एयर पॉल्यूशन के और पेड़ों के कटने के कारण तेजी से गिर रहा है। लेकिन लॉकडाउन के बाद सबसे बड़ा और सबसे पहला असर एयर क्वालिटी में ही देखने को मिला। जनवरी के पूरे महीने चाइना लॉकडाउन में था, और 23 जनवरी को नासा ने चाइना के ह्यूबेई प्रांत के बारे में एक रिपोर्ट दी थी। ये शहर दुनिया के सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहरों में से सबसे ज्यादा साफ हवा वाले शहरों की लिस्ट में आ गया है। ऐसा ही कुछ बीते दिनों पहले दिल्ली के साथ भी हुआ। पिछली सर्दियों में दिल्ली का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स नंबर हर रोज 400 प्लस पार जा रहा था, जो हवा की गुणवत्ता को बेहद जहरीला दर्शा रहा था। लेकिन लॉकडाउन के बाद दिल्ली का AQI गिरने लगा, और एक समय पर ये गिरकर 40 से 70 के बीच बना हुआ था। 0 से 50 के बीच का AQI नंबर वायु की शुद्धता के लिए अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आप इस फोटोग्राफ को भी देख सकते हैं। ये फोटोग्राफ हिमाचल के हिमालय पर्वतों की श्रृंखला की है, लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात ये है कि ये तस्वीर पंजाब के जलंधर जिले से ली गई है। पहले जब एयर क्वालिटी इतनी ज्यादा नहीं गिरी थी तब हवा साफ रहती थी, तब पंजाब के जलंधर, लुधियाना और आसपास के जिलों से हिमाचल के हिमालयाज साफ नजर आते थे। लेकिन जैसे ही फैक्ट्रियां और मीलें बढ़ने लगी, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का एमिशन भी बढ़ने लगा, और हिमालयाज दिखने बंद हो गए। हाल ही में ऐसा ही कुछ नजारा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से भी देखा गया। यहाँ से भी हिमालयाज की चोटी साफ देखी जा सकी थी, और आज से पहले ऐसा तकरीबन 3 दशकों पहले हुआ था, यानी तकरीबन 30 सालों पहले। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि सहारनपुर से हिमालयाज की दूरी बाय रोड जहाँ 600 किलोमीटर से भी ज्यादा है, तो वहीं एरियल डिस्टेंस भी तकरीबन 200 किलोमीटर तक का है। और ऐसा अत्याधुनिक बदलाव भारत और चाइना में ही नहीं, लगभग पूरी दुनिया में देखा गया है। तो अब इन कुछ रेयर इंसिडेंट से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना वायरस हवा की गुणवत्ता में सुधार लाते हुए धरती के लिए कैसे वरदान साबित हुआ है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन,
हमारा एनवायरनमेंट ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन के कारण बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट को तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो इस छोटे से उदाहरण से समझ जाएंगे। जब भी पहाड़ों पर या ठंडी जगहों पर कम सूरज की रोशनी में खेती करनी होती है तो खेतों को कांच के इन बड़े से बॉक्सेस से ढक दिया जाता है। इससे होता ये है कि सूरज की रोशनी अंदर तो आती है लेकिन वो बाहर नहीं जा पाती और फसल या पौधों को पूरी ऊष्मा मिलती है। ये कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। हमारी पृथ्वी के साथ भी यही हो रहा है, यानी गर्मी बढ़ती जा रही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को पैदा करने वाली गैसों में प्रमुख गैसें होती हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये तीनों गैसें सबसे ज्यादा निकलती हैं इंडस्ट्रीज से। चाइना वर्ल्ड मार्केट का सबसे बड़ा सेलर है और ये जाहिर सी बात है कि चाइना में बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं। चाइना की इन इंडस्ट्रीज से लगभग हर साल 900 करोड़ टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये कितना बड़ा अमाउंट है, आप इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि जब किसी भी रूम के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्तर 5% से ज्यादा बढ़ जाता है तो लोगों का दम घुटने लगता है। अब आप समझ गए होंगे कि चाइना एनवायरनमेंट को कितना ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। लेकिन पिछले 2 महीने के लॉकडाउन के कारण चाइना में लगभग सभी तरह की इंडस्ट्रीज बंद थीं, जिसके कारण चाइना के भारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के एमिशन में बहुत बड़ी कमी आई है। चाइना के एयर क्वालिटी को चेक और मेंटेन करने के लिए डिपार्टमेंट CREA यानी कि सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि चाइना की कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिशन 25% तक नीचे आ गई है। इंडस्ट्रीज के अलावा ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन में एक बहुत बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्ट का भी होता है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का एमिशन करती हैं, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस ही है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन के कारण दुनिया भर में लगभग 60% से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का काम रुका हुआ है और इस वजह से ग्रीन हाउस गैस का एमिशन नहीं हो रहा है, जो कि हमारे वातावरण के लिए बहुत अच्छी खबर निकल कर आई है, क्योंकि बढ़ता ग्रीन हाउस इफेक्ट धरती पर गर्मी को भी बढ़ा रहा था। लेकिन बढ़ती गर्मी सिर्फ ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी ओजोन लेयर। आइए जानते हैं कि कैसे ओजोन लेयर को लॉकडाउन और पैंडेमिक सिचुएशन के चलते हील होने का मौका मिल गया। ओजोन लेयर पृथ्वी पर इंसानों के अस्तित्व के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ओजोन लेयर सूरज की किरणों से निकलने वाली घातक यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक लेती है। लेकिन कई सालों से ये देखा जा रहा है कि ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय होती जा रही है। कैसे, ये जानने के लिए आपको समझना होगा कि ओजोन लेयर है क्या। ओजोन लेयर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेयर में बनी एक लेयर है जो सूरज की किरणों से आने वाली यूवी रेज को खुद तक ही रोक लेती है। यूवी रेज इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। दोस्तों, ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत जरूरी है लेकिन हम इसे बर्बाद करते चले आ रहे हैं और खत्म करने की कगार पर पहुंच रहे हैं। ये तो खैर रिकॉर्ड रहा है कि इंसान हर उस चीज को नष्ट कर रहा है जो उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जरूरी है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, पानी हो, पेड़ पौधे हो या फिर ये ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में बहुत लंबे वक्त से एक होल को देखा जाता आ रहा था, जिसका कारण था इंसानों द्वारा खतरनाक गैसों का एमिशन। इन गैसों में सबसे ज्यादा मेन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और बहुत सी दूसरी जहरीली गैसें। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण तेजी से ओजोन लेयर की परत में कमी को देखा जाता आ रहा था, लेकिन लॉकडाउन के बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एमिशन काफी कम हो गया है और ओजोन लेयर ने रिकवरी शुरू कर दी है। हालांकि दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये रिकवरी अभी से हो रही है। पिछले कई सालों में ओजोन लेयर के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण जहरीली गैसें खासकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के एमिशन को कम किया जा रहा था, जिसके बाद हर साल ओजोन लेयर ने 1-2% रिकवरी शुरू कर दी थी। लेकिन ये तय है कि साल 2020 में ये रिकवरी और बड़े मार्जिन पर होगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रभाव जो कोरोना वायरस के चलते हमारे वातावरण पर तेजी से पड़ रहे हैं। हमारा वातावरण खुद को तेजी से हील कर रहा है, हमारा वातावरण खुद को शुद्ध कर रहा है। लेकिन ये सुनने में बहुत अजीब लगता है कि हम इंसान, जो कि खुद को पिछली सभ्यताओं से ज्यादा उन्नत मानते हैं, खुद को इस दुनिया का शहंशाह मानते हैं, ब्रह्मांड में खुद को एकमात्र बुद्धिजीवी मानते हैं, उन इंसानों पर आज एक छोटा सा वायरस भारी पड़ रहा है। ये कड़वा सच है कि हमने अपने वातावरण को भगवान भरोसे छोड़ दिया था। अब तक जितने भी बदलाव आपने सुने, वो अगर इंसानों को करने को कहे जाते तो शायद कभी नहीं हो पाते, क्योंकि हमें लगा ही नहीं कि इन सब का समाधान ना करना भविष्य में कितना महंगा पड़ सकता है। हालांकि ये तो मानना पड़ेगा कि हमारी पृथ्वी
अपने आप को अच्छे से हील करना बखूबी जानती है। वेल, तो इस खास एपिसोड में इतना ही। उम्मीद है आप लॉकडाउन का पालन बखूबी कर रहे होंगे। अगर आपको ये खास एपिसोड अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर। Thank you.